दोस्तों, आज मैं आपको विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाऊंगा। बहुत आसान तरीके से आप इजीली इसको सीख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक विजिटिंग कार्ड है। सिंपल और खूबसूरत और प्रिंटिंग में भी आसान है, क्योंकि कोरल ड्रा में अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, वो प्रिंटिंग में भी इजी होना चाहिए बनाने के लिए। आप ये देख रहे हैं। अब ये विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए हम एक कॉपी पेज की और ले लेते हैं, जो यहाँ से मिलेगी आपको। ये प्लस का निशान देख रहे हैं आप, इसको क्लिक करिए। एक पेज इंसर्ट हो जाता है इस प्लस के निशान को क्लिक करने से। और ये पेज नंबर है, पेज नंबर 1 पर हमारा विजिटिंग कार्ड पहले से ही पड़ा हुआ है। इसी को हम आपको बनाना सिखाएंगे। इधर देखिए आप, पेज नंबर 2 पर सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जूम आउट करते हैं, पेज को देखते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और उसे एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ऐसे ही। अब हम विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है, उस साइज में इस रेक्टेंगल को बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब पिक टूल पर हम क्लिक करते हैं तो आप ऊपर देखेंगे बार पर, यहाँ पर साइज जो हमने ड्रैग किया था वो ऑटोमेटिक आया है। लेकिन हमें एक अलग साइज़ चाहिए, विजिटिंग कार्ड का साइज़ चाहिए, तो यहाँ पर हम विजिटिंग कार्ड का साइज़ सेट करेंगे। इसे सेलेक्ट करिए ऊपर वाले को, और विजिटिंग कार्ड की जो लेंथ होती है वो विद 3.35 इंच होती है। ये हमने डाल दिया। अब हम एंटर मारेंगे। देखा आपने, ये साइज जो है ऊपर वाली जो विड्थ है, ये सेट हुई उस पर ही जा करके। अब नीचे आएंगे हम, इसकी हाइट सेट करेंगे। इसकी इसकी हाइट होती है 2.1, 2.1। एंटर मारेंगे, ये सेट हो गया। आप देखिए, इसे क्लिक करिए, 3.35, 2.1 पर हमने इसको सेट कर दिया है। पहले विजिटिंग कार्ड के लिए हम लोगो तैयार करेंगे। हमने टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया, हम पर्ल आर्ट का लोगो बनाने जा रहे हैं। तो हम पर्ल का पी और आर्ट का ए, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट मेरे पास इस कोरल ड्रा में इस तरह से सेट है, सैमसंग XTB। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, जैसे कि हमारा पीछे वाला है लुसीडा हैंड राइटिंग में। यहाँ से हमने लुसीडा हैंड राइटिंग क्लिक किया, ये आ गया। आप ये देख रहे हैं, इधर जाके भी आप देख सकते हैं। इसका साइज क्या लिया था हमने, 39.77, 3040 कर देंगे हम। पेज नंबर 2 पर जाते हैं, इसका साइज हम 40 कर देंगे। और ए का साइज, फिर पेज नंबर 1 पर जाते हैं, चेक करते हैं ए का साइज क्या है। इसको सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर क्लिक करेंगे पहले सेंटर में। ये सेलेक्ट हो गया हमारा, 19.885 आ रहा है। तो हम पूरा 20 PT साइज ले लेंगे इसका, या हम 20 कर दिया। और आप देखें, ये इस तरीके से होकर आ गया। यहाँ हम शेप टूल से क्लिक करेंगे इसको, ये शेप टूल से, और ये स्क्वायर वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ऐसे क्लिक करके थोड़ा सा इसको इसके करीब लेकर आ जाएंगे। और इसके लेवल में हम चेक करने के लिए ऊपर से हमने एक लाइन ली, वो देखा, और इस लेवल पर हम इस ए को लेकर आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, इसके चारों तरफ एक आउटलाइन सी बनकर आ रही है ए के। ये हो गया, बहुत सिंपल है। अब एक इलिप्स टूल से एक सर्किल बनाएंगे छोटा, जो ए को कवर कर ले।
कंट्रोल को प्रेस कर लेंगे तो सर्किल जो है वो सब तरफ से एक ही साइज में आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए सर्किल को हमने ए के सेंटर में कर दिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सर्किल को। और अब शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा किया, ये ए को कवर कर रहा है, थोड़ा छोटा, हाँ ये ए को कवर कर रहा है पूरा सर्किल। आप यहाँ देख रहे हैं, ए को, ये सर्किल को हम यहाँ से कलर स्काई ब्लू है इसको ले लेंगे, इसमें कलर है ऑरेंज, यहाँ हमने स्काई ब्लू ले लिया है। जो हमने पीए बनाया है उसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो फॉर ये लेयर में सब चीज़ें जाती हैं, ऊपर वाली लेयर में आपका सर्किल आया क्योंकि ये सर्किल हमने बाद में बनाया था और पीछे ए चला गया, उसके छुप गया है, तो हम फॉन्ट को, इसको पी ए जो बनाया है इसको ऊपर लाने के लिए शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे। देखिए शिफ्ट के साथ पेज अप किया, शिफ्ट के साथ पेज अप, तो ए ऊपर आ गया। अब फिर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, ए को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ ए को, और इसको वाइट कर देंगे। यहाँ से कलर लिया हमने वाइट कलर और वाइट कर दिया। पी को हम ग्रे कर देंगे, यहाँ से ब्लैक है, फिर उसके बाद ग्रे के शेड शुरू हो जाते हैं, 90% ब्लैक, इस तरह से 80, 70, 70% पी को कर देते हैं हम, जैसे आप देख रहे हैं। अब सर्किल के ऊपर भी एक आउटलाइन दिखाई दे रही है, हेयर लाइन है, पेन टूल में जाएंगे, उस हेयर लाइन को नो लाइन, नो आउटलाइन कर देंगे, क्लिक करिए, नो आउटलाइन हो गई। तो हम पल आर्ट टाइप करेंगे, पर्ल आर्ट, इसका साइज क्या है पिछले पेज पर जाकर हम चेक कर लेंगे, 17, तो इसको हम 17 साइज कर देंगे। और फॉन्ट हमारा है ये लुसीडा हैंडराइटिंग। कभी आप किसी भी चीज़ में लोग विजिटिंग कार्ड बनाए या आप लेटर हेड बनाए या कुछ भी प्रिंटिंग का इस तरह का कोई से भी चीज़ डिज़ाइन करें, तो बेटर ये रहेगा जो फॉन्ट आपने चूज़ किया है एक ही फॉन्ट से, एक ही फॉन्ट का यूज़ करें, उससे कार्ड भी अच्छा लगता है, और अगर आपको फाइल कहीं पर एक्सपोर्ट करनी है तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ से हम इसका साइज चेंज कर देंगे 17, ये 17 हो गया। पहले हमने जो लोगो तैयार किया है ये, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे इसे, फिर पर्ल आर्ट को थोड़ा इसके नियर ले जाएंगे, इसका भी कलर हम 70% ग्रे कर दिया, करीब लाके थोड़ा सा अब हम इसको सी प्रेस करेंगे, सिर्फ सी, सी से ये सेंटर में आ जाएगा, लोगों के सेंटर में आ गया पलाड़ जो हमने टाइप किया था। अब आप देख रहे हैं, अब हम चाहिए एड्रेस, एड्रेस का साइज मोस्टली 10 PT जो है वो सही रहता है, प्रिंटिंग के बाद दिखाई भी देता है, ज़्यादा छोटा होता है वो दिखाई नहीं देता, और ज़्यादा बड़ा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। 10 PT रखेंगे हम साइज। अब जैसे यहाँ एड्रेस डालते हैं हम 108/56, ये एड्रेस रियल एड्रेस नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए ऐसा डाला जा रहा है। कॉमा लगाएंगे, जामनगर ग्रेटर, सॉरी कैपिटल लेटर से जामनगर
ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद का जो रियल कोड है वो डाल दें आप। अगर आप कहीं के भी आप डालें तो आप तो यूज़ रियल एड्रेस का ही करेंगे। यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए एड्रेस और इस तरीके से डाल रहा हूँ, ये एड्रेस कोई सही एड्रेस नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। अब हम इसको 10 PT कर देंगे और फॉन्ट एरियल नोरो नैरो जो है वो ज़्यादा सही रहता है, आपने देखा। इसको फॉन्ट की जगह पर, एड्रेस की जगह बेटर यह है कि बॉटम में विजिटिंग कार्ड के होनी चाहिए। ये हो गया। अब फिर हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने सी करके मैं अब कंट्रोल जी कर देंगे हम इसे। अब हम पूरे कार्ड की जो आउटलाइन है वो सेलेक्ट करेंगे, इसको ये पूरा एरिया जो है हम इसको सेंटर में रखेंगे, और इसको भी सेलेक्ट करेंगे। ये हमने छोड़ दिया है एड्रेस की लाइन अभी। अब देखिए दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी हैं, ये तीनों चारों, तो सी और ई, तो ये सेंटर में आ गया। यहाँ से अब हम एड्रेस की लाइन उठाएंगे, थोड़ा ऊपर रखेंगे, इसको भी हम ग्रुप कर देंगे, ये हिस्सा और ये बाहर की आउटलाइन हमारी ग्रुप है, ये अभी ग्रुप नहीं है। पहले इसको सेंटर करेंगे, फुल सेलेक्ट कर लेते हैं, सी कर दिया। देखिए आपने ये सर का थोड़ा सेंटर में, अब ये सेंटर में आ चुका है। अब आप देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर अभी नहीं लिया है हमने, एक मोबाइल नंबर लेंगे MOB डॉट, और मोबाइल नंबर जो भी आपके कस्टमर का हो या जो भी जिसका भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जो कंपनी है वही मोबाइल नंबर आप डालेंगे। ये आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, रियल मोबाइल नंबर नहीं है। एक देखिए अब इसको भी हम एरियल नैरो कर देंगे, और जो नीचे एड्रेस का फॉन्ट का साइज़ है वही इसको भी रख देंगे हम 10 पॉइंट। ये आपका विजिटिंग कार्ड तैयार है, लेकिन थोड़ी सी खूबसूरती के लिए जैसे हमने उसमें स्क्वायर डाले हैं, इसमें भी हम कुछ डाल देते हैं। ये हमने रेक्टेंगुलर टूल लिया, और आप देख रहे हैं इसको हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया, एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसी को उठा के अगर आप कंट्रोल के साथ लेके जाएंगे तो स्ट्रेट जाएगा। कंट्रोल के साथ मैं कंट्रोल प्रेस हुई हुआ है मेरा, और मैं इसे लेके जा रहा हूँ, और इधर से राइट क्लिक करूँगा, इसकी कॉपी इधर आ जाएगी। यहाँ पर हम ब्लू कलर जो हमने लिया था इधर से स्काई ब्लू वो कर दिया, क्योंकि ए में लोगों में ये शेड है इधर, और इधर 70% का ग्रे ले लिया। ये इसकी भी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे जो हमने इस ये रेक्टेंगुलर बनाया। देखिए ये आउटलाइन हमने ख़त्म कर दी। आप देख रहे हैं कि आप ये एक विजिटिंग कार्ड तैयार हो गया। इसी तरीके से विजिटिंग कार्ड तैयार किए जाते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और कुछ नया क्रिएटिव अपने माइंड से भी बनाइए। इसके अलावा कोई सवाल हो तो दोस्तों वो मुझसे पूछें आप, मैं आप कमेंट बॉक्स में डाल करके, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जो होगा मैं इसका ही लेटर हेड बनाऊंगा। इसी तरीके से मैं आपको एचिंग के डिज़ाइन भी बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से एचिंग के डिज़ाइन बनाते हैं, और कोरल ड्रा में मैं आपको ट्रेस करना भी सिखाऊंगा। कोरल ड्रा में हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं विजिटिंग कार्ड तैयार हो गया। ये पेज नंबर 1 पर ये इस तरह का एक डिज़ाइन है, पेज नंबर 2 पर ये एक अलग तरह का थोड़ा सा डिफरेंस डिज़ाइन है, लेकिन देखिए आपको अच्छा लग रहा है। दोस्तों मेरा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगले जो कोई भी मैं आपको सिखाऊंगा वो आपके पास
ऑटोमेटिक आएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैसेज बॉक्स के द्वारा। और कोई भी कमेंट्स हो तो आप मैसेज बॉक्स में डालें, कुछ पूछना हो अलग तरीके का तो वो भी आप मुझसे पूछें। ठीक है दोस्तों, बाय।